लेट सॉल्व दिस क्वेश्चन इन अ सिंपल वे। जैसा कि हम जानते हैं कि पावर रूट ए की पावर एक्स है, की पावर वाई है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए की पावर एक्स इंटू वाई, यानी आपस में ये मल्टीप्लाई हो जाता है। और अगर बेस समान हो, मान लो ए की पावर एक्स है इंटू ए की पावर वाई है, तो इसको आपस में पावर को जोड़ लेंगे, ए की पावर एक्स प्लस वाई, इसी दोनों का यूज करके हम इस क्वेश्चन को लगाएंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं, फाइव की पावर एक्स की पावर टू दिया है और नीचे दिया है 25, तो 25 को हम 5 में लिख लें, तो 5 का स्क्वायर एक्स हो गया। अब इधर 125 है, तो इसको भी 5 के रूप में लिखेंगे, तो क्या आएगा, 5 की पावर 3। इस तरीके से ये आपको पता है कि आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर नहीं ऊपर घात पे घात है, तो वो मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो इस साइड लाते हैं, 5 की पावर 2x इंटू 5 की पावर 3, अभी बेस समान है तो आपस में जुड़ जाएगा जैसा कि बताया गया। तो इस तरीके से लिख लिए, 5 की पावर एक्स की पावर 2 इक्वल टू, ये जुड़ जाएगा 5 की पावर 2x प्लस 3। जैसा कि आपको ये भी पता है, अगर ए की पावर एक्स है इक्वल टू ए की पावर वाई है, तो एक्स बराबर वाई होगा, बेस समान है तो घात भी आपस में समान होगा। तो यहाँ फिर अब देखते हैं, यहाँ बेस समान 5 है, तो यानी घात भी समान होगा, घात इधर क्या है, एक्स स्क्वायर है, और इधर क्या है, 2x प्लस 3 है। इसको सॉल्व करते हैं, तो एक्स स्क्वायर इस तरीके से माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, इसका गुणनखंड करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, इसमें कोई अंतर नहीं, इसको अगर जोड़ेंगे तो यही आ जाएगा। अब यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3, यहाँ प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, अब क्या कॉमन है, x माइनस 3, दूसरे क्वेश्चन में x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो अब क्या आ जाएगा, x बराबर 3 या x बराबर माइनस 1, ये हमारे दो आंसर होंगे। ठीक, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे।